एवरी वन वेलकम टू एन अकेडमी नीट दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है हाउ आर यू येलो एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम वेलकम टू एन अकेडमी नीट आई होप बेटा यू गाइज आर रेडी रेडी टू फिनिश दिस चैप्टर सब बच्चे रेडी है एक बारी वीडियो शेयर कर लें हाँ जी आ जाइए यस yes, कल कहाँ तक किया था बेटा जी हमने पता okay. yes. good evening, good evening. ही नहीं है आधे बच्चे कह रहे कहने में पता ही नहीं है जिस बच्चे को नहीं पता ना वो बच्चा मुझे नहीं लगता मेरी क्लास में अलाउड है क्योंकि आज हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं येस ये वी डिस्कस्ड वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रूशल पार्ट दैट इज़ मैंस्ट्रल साइकिल आई एक आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि आप इस मैंस्ट्रल साइकिल को खुद से ड्रॉ करके लाएंगे खुद से रीड करेंगे दो पेज हैं एन सी आर टी के एक एक लाइन क्या आपने इसकी रीड करी एक बार ही बता दो मुझे येस डिड यू रीड ईच एंड एवरी लाइन हाँ जी बताइए जो बच्चा बेटा येस बोलेगा उसी को आगे का समझ आएगा एंड वही इससे मैक्सीम बेनिफिट ले पाएगा हाँ जी बताइए हाँ जी दो चीज़ें की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज हॉर्मोनल कंट्रोल देखिए ये सेशन नो no डाउट आपके लिए फ्री सेशन है लेकिन प्लीज़ फ्री को फ्री की तरह मत लो फ्री को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लो क्योंकि एक एक दिन तुम्हारे करियर के लिए तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है यस हाँ जी बेटा मुझे नहीं पता वर्ल्ड वॉर थ्री होगा कि नहीं होगा इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कोई ऐसी वॉर ना हो मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो रिलीज़ की है क्या आपने इस वीडियो को देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि यार जो हमारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो यू नो फंसे हुए हैं उस जगह पर द सिचुएशन इज़ वेरी टेंस क्या क्या मुश्किलों का सामना उनको कर करना पड़ सकता है वो वीडियो बेटा आप के लिए नीट में तो रेलिवेंट नहीं है सिलेबस में नहीं आएगा बट स्टिल बेटा वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यार जो हमारे जैसे लोग हैं जो एम आप भी अगले साल बेटा एम करोगे आपके बहुत सारे क्लासमेट्स हो सकता है बाहर जाएं तो ये सिचुएशन किसके साथ भी हो सकती है तो वीडियो एक बारी तीन मिनट का वीडियो देखना ज़रूर कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एंड हाउ ब्रेव दे वुड बी दैट दे आर स्टिल देयर एंड फाइटिंग द सिचुएशन इट इट इज़ जस्ट शोइंग द ब्रेवरी येस इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि वो लोग इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं करना तो पड़ता ही है बट आई रियली सल्यूट टू देम बट सेम टाइम आई वॉन्ट कि यार ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए खत्म हो जाए एंड सारे बच्चे शांति से जहाँ भी रह रहे हैं पढ़ाई कर पाए है ना यस ट्वेंटी थाउजेंड है इंडिया के भैया ये डेटा तो मुझे नहीं पता था ये डेटा तुमने मुझे बताया बट जितने भी हैं जितने भी हैं बेटा जितने भी हैं आई वॉन्ट की सब सेफ हो एंड सब सेफली अपने घर आ जाए एनी वे मूविंग बैक टू आवर पोर्शन कल हमने डिस्कस कर लिया था टिल मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा आज एक सेशन पक्के से होना है कल हमारा टाइम क्लैश की वजह से ओपन हाउस नहीं हो पाया था तो जो बच्चे हाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है तुम्हें भी सुन रहे तो जो बच्चे बेटा वेट कर रहे थे मेरे से बात करने के लिए जो कल नहीं कर पाए बेटा आज डेफिनेटली कर पाएंगे आज का ओपन हाउस स्केड्यूल्ड है शायद आपको मेरी प्रोफाइल में दिख भी रहा होगा ठीक है शायद आपको मेरी प्रोफाइल में बेटा दिख भी रहा होगा ओके okay. ठीक मैं अभी आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर ठीक है आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक विद यू ऑन टेलीग्राम यस गाइज आज स्पेशल क्लास भी होगा हाँ जी पिन नहीं हुआ क्या पिन होना चाहिए था रुकिए लेट मी जस्ट लेट मी जस्ट चेक विद द टीम वाई इज इट नॉट पिंड हाँ जी अभी हो जाएगा अभी बेटा मैं पिन करवा दूंगी आपको ऊपर दिखने लग जाएगा चलिए मूविंग टू प्रेगनेंसी एज वेल एज पार्चुरेशन देखिए प्रेगनेंसी तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी हमने क्या डिस्कस कर लिया था हमने डिस्कस कर लिया है कि यार अपने पास मेल ग्यामिट बन गए क्या बन चुका है मेल ग्यामिट बन चुका है ठीक है दैट इज फॉर्म हमारे पास बेटा क्या बन चुका है फीमेल ग्यामिट बन चुका है आपने स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया आपने ओजेनेसिस कर लिया अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बाद प्रेगनेंसी तभी एस्टैब्लिश होगी जब ये दोनों गैमिट्स सेम टाइम पर कहाँ प्रेजेंट होंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन यू हेल्प मी विद द नेम ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताइए हाँ जी जब ये दोनों गैमिट्स सेम टाइम पर इनका यूनियन तभी पॉसिबल है बेटा जब ये दोनों सेम टाइम पर एक ही जगह प्रेजेंट है एंड वो एक जगह क्या है वो एक जगह आपकी है दैट इज गोइंग टू बी हाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होती है एंड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दिस वन दैट इज द एम्प्य पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होनी है यानी कि जब यहाँ से स्पॉम्स एंट्री लेंगे इन सारे स्पॉम्स को अग्नि परीक्षा देकर कहाँ तक पहुँचना है एम्पिला तक पहुँचना है क्या ये मिलियंस ऑफ स्पर्म सारे के सारे एम्पूला तक पहुँच पाएंगे नहीं बेटा वंस द स्पर्म मेक्स एन एंट्री इन टू द यूट्रस इनकी एक्टिवेशन होती है इसमें से कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे यानि कि जब स्पर्म ने एंट्री ली स्प ने एंट्री किसके बाद ली इम In, इन्सेमिनेशन के बाद कौन सा प्रोसेस हुआ इन्सेमिनेशन हुआ इन सेमिनेशन के बाद स्पॉम्स कहाँ पर पहुँच चुके हैं यूट्रस के अंदर पहुँच चुके हैं यूट्रस में पहुँचने के बाद ये जो स्पॉम्स है दे विल नाउ एक्टिवेट एक्टिवेट का मतलब है दे विल अंडरगो गो द प्रोसेस ऑफ कपेसिटेशन ये कैपेसिटेशन कहां पर होती है यूट्रस के अंदर होती है फीमेल बॉडी के अंदर ही एक्टिवेशन होती है इसको कितना समय लग जाता है बेटा छह से आठ घंटे लग जाते हैं इस कैपेसिटेशन के प्रोसेस में अब जो स्पर्म्स बेटा कैपेसिटेट हो जाएंगे वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे जो स्पर्म कैपेसिटेट नहीं होंगे यानी कि जो एक्टिवेट नहीं हुए वो स्पर्म सारे के सारे यहीं पर रह जाएंगे ठीक है जो स्पर्म कैपेसिटेट हो जाएंगे दे विल रीच टिल दिस पोजिशन जो स्पर्म कैपेसिटेट नहीं हो जाएंगे बेटा दे विल स्टे इन द यूट्रस ओनली यानी कि न, 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 फोकस नहीं कर पा रहा मुझे हाँ यानी कि बेटा वही स्पर्म हमारे काम के हैं जो कि कैपेसिटेट हो नंबर टू तक पहुंचेंगे एम्पिला रीजन तक पहुंचेंगे अब स्पर्म को बेटा क्या पता कि मुझे एम्पिला तक जाना है कोई तो है जो उसको खींच रहा है There is something which is attracting the sperm. क्या चीज़ है वो? पे बेटा, की हेल्प से पहुंच जाएगा अब ओवा ने एक ऐसा केमिकल रिलीज किया है जो स्पर्म को अपनी तरफ खींचेगा किस किस स्पर्म को ह्यूमन के स्पर्म को अपनी तरफ खींचेगा देखिए अगर आप इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई और एनिमल का गैमिट इंसेमिनेट कर दिया आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी और एनिमल का गैमिट इंसेमिनेट कर दिया वो नहीं पहुंचेगा गैम्पूला तक क्योंकि उसको हमारे एग अट्रैक्ट नहीं कर सकता हमारे एग ने जो केमिकल रिलीज किया है दैट केमिकल कैन अट्रैक्ट ओनली द ह्यूमन स्पर्म तभी तो ह्यूमन ह्यूमन के गैमिट्स ही आपस में फ्यूज़ करते हैं ह्यूमन और किसी और का मेल गैमिट फ्यूज नहीं करेगा यानी कि ये जो प्रोसेस है कीमो अट्रैक्शन का ये बहुत ही स्पीशी स्पेसिफिक है सेम स्पीशी के गैमिट ही आपस में अट्रैक्ट होंगे दूसरी स्पीशी का ग्रामिट आ जाएगा तो बेटा किसी काम का नहीं है वो अट्रैक्ट नहीं होगा ठीक है अट्रैक्ट बेटा नहीं होगा ये बिल्कुल वैसा से एक केस है बेटा ताला और चाबी नहीं होता कि एक ताले का एक ही चाबी हो सकता है वैसे ही जो केमिकल एग ने रिलीज किया है उस केमिकल को वैसे हम फर्टिलाइजेंस बोलते हैं उसकी चाबी एंटी फर्टिलाइजन के पास है जो कि ह्यूमन स्पर्म के पास है ठीक है तो एक बारी अगर कैपेसिटेशन हो गई कैपेसिटेशन के बाद क्या होगी कीमो अट्रैक्शन होगी कैपेसिटेशन के बाद बेटा जी क्या होगी कीमो अट्रैक्शन केमिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं ये जो एग है आपका इस एग ने क्या रिलीज किए फर्टिलाइज रिलीज किए ये जो स्पर्म है स्पर्म इसके कंपैरिजन में क्या रिलीज कर रहा है एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज कर रहा है स्पर्म इज़ रिलीजिंग एंटी फर्टिलाइजन ये जो बेटा ह्यूमन के एग का फर्टिलाइजिन है ये ताला है ये सिर्फ ह्यूमन के स्पर्म की चाबी से ही खोल सकता है यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ ये जो बेटा जी प्रोसेस हुआ ये कैसा प्रोसेस हुआ हाईली स्पीशी स्पेसिफिक Yes, this process is species specific. Is this clear? हां जी बताइए क्या ये बात आपको समझ आई दिस इज स्पीशी स्पेसिफिक क्या हो गया यार दिख तो है? कौन सा लैग है विच लैग इज देयर बेटा आजकल हर चीज को लैग बोलना शुरू कर दिया हो अगर मैं यहां पर लिखना शुरू कर दूंगी तो लैग हो जाएगा यस क्लियर क्लियर हाँ जी ओके सो नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी अब स्पॉम अट्रैक्ट होकर एग तक पहुँच गया एग के बाहर उसको क्या दिखी आप जानते हैं यार द होल ऑफ़ द एग इज सराउंडेड बाय ये आपका एग था इस एग के बाहर क्या है जोना पेलीसिडा दिस इज़ जोना पेलीसिडा जोना पेलीसिडा के बाहर ये करोना रेडिएटा के सेल्स हैं जो कि हाई यूरोनिक एसिड से जुड़े हुए हैं ठीक है जो कि हाइलुरिक एसिड से जुड़े हुए हैं यानी कि अब जो अपने पास स्पर्म्स आ रहे हैं इन स्पर्म्स को दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा यानी कि इस को पहले बैरियर तोड़ना पड़ेगा कि कोरोना रेडिएटा को तोड़े तभी अंदर पहुंचेंगे फिर बेटा जोना को भी तोड़ना पड़ेगा तभी वो अंदर इस मेमब्रेन तक पहुंच पाएंगे ये सारी चीजों को तोड़ने के लिए दीवारें हैं बेटा इस दीवार को तोड़ने के लिए ड्रिल करने के लिए इस दीवार में अपने को चाहिए एंजाइम्स ये एंजाइम्स किसके बस प्रेजेंट है स्पॉम की टिप के पास स्पॉम की टिप को आपने क्या नाम दिया था एक्रोसोम दिया था यानी कि एक्रोसोम के अंदर देर आर सर्टेन सेट्स ऑफ एंजाइम एंड दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज स्पॉम लाइसिन एक्रोसोम के अंदर बेटा क्या है एंजाइम्स हैं उन एंजाइम को अपने लोग क्या बोलते हैं स्पॉम लाइसेंस बोलते हैं सबसे पहले तो बेटा कोरोना रेडिएटा को तोड़ना उसके बीच में जो हाई एसिड से जो सेल चिपके हुए हैं ना उनको तोड़ना है तो हाई एसिड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए हाईल यूरोनिडेज चाहिए वी रिक्वायर हाईल यूरोनिडेज ये क्या करेगा हाई एसिड को तोड़ेगा ठीक है हाई एसिड को तोड़ेगा चलिए तोड़ दिया हाई एसिड को तोड़ने के बाद आपके जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे चलो ये अलग अलग तो हो गए पर अब इसमें से भी क्रॉस करते हुए जाना है अगला जो एंजाइम रिलीज होगा दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज सी पी ई CPE को क्रॉस करते हुए बेटा कहाँ तक पहुंच जाएंगे जोना तक पहुंच जाएंगे जोना को भी तो तोड़ना है जोना को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएंगे दे आर कॉल्ड एज जोना लाइसन ठीक है जोना लाइसन को और क्या बोला जाता है एक्रॉसन e लाइसिन को बेटा और क्या बोला जाता है एक्रोसिन। एक्सिन so, तीनों तरीके के एंजाइम हाइलोरॉनिकोरिडेस हाइलोरॉनिक एसिड को तोड़ेगा कोरोना बेनडेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को तोड़ेंगे जोना लाइसिन या फिर एक्रोसिन किसको तोड़ेगा जोना को तोड़ेगा इस तरीके से द स्प विल ड्रिल द मेमब्रेन ऑफ एग एंड इट विल रीच इन साइड बेटा जब ये स्पर्म आपका जोना तक पहुंच जाता है ना देखो यहाँ से चला यहाँ तक पहुँच गया जैसे इसने जोना को टच किया जैसे ही बेटा जोना को टच किया ये रहा जोना जैसे ही बेटा जोना को टच किया इसके अंदर कुछ चेंजेस आए मेम्ब्रेन के अंदर अचानक से सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया डीपोलराइजेशन हो गई इन चेंजेस की वजह से जोना इतनी हार्ड हो जाएगी कि अब दूसरा स्पॉर्म को अंदर नहीं घुसाएगी पहले जो जोना थी वो एक वेट सीमेंट की तरह थी गीला गीला सीमेंट नहीं होता बेटा उसके अंदर डंडा डालोगे चला जाएगा लेकिन जैसे ही एक स्पॉम ने इसको टच किया यहाँ पर क्या हुआ फास्ट ब्लॉक टू पॉलिस परमी पॉलिस परमी रुक गई पॉलिस परमी का मतलब होता है एक से ज्यादा स्पर्म का अंदर एंट्री लेना अब बेटा एक स्पर्म ऑलरेडी एंट्री ले चुका है टच कर चुका है अब जोना के अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो एक हार्ड सीमेंट की तरह हो जाएगी अब दूसरे स्पर्म चिपके तो हुए हैं लेकिन अंदर नहीं आ पाएंगे सो बाई दिस पॉलिस वुड बी प्रिवेंटेड इस मेथड से बेटा पॉलिस क्या हो जाएगी प्रेवेंट हो जाएगी क्योंकि तुम जानते हो यार अगर एक से ज्यादा स्पम अंदर घुस गया तो वाइबल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है कोई वाइबल जायगॉट नहीं बन सकता हम चाहते हैं कि एक ही स्पर्म एंट्री मारे अंदर और ये स्पर्म खुद करता है जब वो जोना से जुड़ता है जोना बेटा छोटे ही बेटा क्या होगा इसमें पॉलिस्पर्मी पे ब्लॉक लग जाएगा ठीक है हाँ जी तो जोना को चीरते हुए अंदर पहुंच गए अंदर किस में पहुंच गए बेटा एग की मेम्ब्रेन तक पहुंच गए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कहाँ तक पहुंच जाएंगे बेटा एग की मेम्ब्रेन तक जैसे ही बेटा स्पॉम यहाँ तक पहुँचे एग की मेम्ब्रेन को टच किया वैसे ही एग एक्टिवेट हो जाएगा एग एक्टिवेशन का मतलब है अब एग अपनी सेकेंड मियोटिक डिविजन को कम्प्लीट करेगा इससे पहले तक ये सेकेंडरी ओसाइटी है इसको एग तो बोलना वैसे गलत बात है जब बेटा ये जोना को क्रॉस करके मेम्ब्रेन तक स्पर्म पहुंचेगा तब जाकर एग एक्टिवेट होगा एग एक्टिवेट होने का मतलब है अब वो मेटाफेज को छोड़कर कहां पर आ जाएंगे एनाफेज में एक्टिवेट होने का मतलब है अब ये सेकेंड म्योटिक डिविजन करके क्या बना लेंगे सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवा बना लेंगे तो सोचो कहाँ पर म्योसिस टू सस्पेंडेड थी कब से सस्पेंडेड थी इंतजार किसका कर रहे थे स्पर्म का कर रहे थे स्पर्म आएंगे जुड़ेंगे और हमारी म्योसिस टू को कंप्लीट कराएंगे सो so, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू ठीक है मियोसिस टू कंप्लीट होगी मियोसिस टू कंप्लीट हुई तो अपने पास क्या बन जाएगा एक बन जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी ठीक है एक बन जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी और साथ ही में बेटा क्या बन जाएगा प्रॉपर फीमेल गैमिट बन जाएगा जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं ओवा बनते हैं अब मियोसिस टू कंप्लीट होने के लिए मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को हमें ऑफ करना पड़ेगा कि भैया मेटाफेज बंद हो जाओ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ऑन करना पड़ेगा येस और नो क्योंकि हम चाहते हैं वो मेटाफेज को छोड़ दे और एनाफेज में आ जाए मेटाफेज को छोड़ने के लिए मेटाफे मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को क्या करना पड़ेगा ऑफ करना पड़ेगा और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ऑन करना पड़ेगा क्या ये बात सही है हाँ जी तभी तो मियोसिस कंप्लीट होगी कि भैया से बाहर आएंगे और एनाफेज में जाएंगे यस बेटा बताइए यानी कि एम पी एफ क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा एपीसी क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा ठीक है बताइए फटाफट से बता दो यार मेटाफेज से आगे बढ़ के हम लोग किस में जाना चाहते हैं एनाफेज में जाते हैं तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को अपने क्या कर देंगे सस्पेंड कर देंगे और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स को क्या कर देंगे ऑन कर देंगे ठीक है अब इसकी पूरी हुई जोना पेलीसिडा अभी भी बरकरार है बेटा जोना पेलीसिडा अल्टीमेटली क्या हो जाएगी इतनी हार्ड हो जाएगी कि अब दूसरा स्पर्म बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पाएगा जोना बेलिस हार्ड होके एक प्रॉपर कवरिंग बना लेगी ताकि एक स्पॉम जो एंट्री लिए बस वही अंदर अपना काम करे वही मैजिक दिखाए बाकी के एंट्री ना ले पाए अब बेटा जोन से टाइप का स्पॉम अंदर गया है दैट विल डिटर्मिन द टाइप ऑफ सेक्स हाउ अगर मैं बात करूँ सेक्स डिटर्मिनेशन की सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो आपके पास एक है फीमेल गैमिट एक है बेटा जी फीमेल गैमिट और एक है मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है भैया यहाँ पर क्या हो सकता है 22 टू प्लस एक्स ही हो सकता है है ना फीमेल के गैमिट में एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 22 टू प्लस एक्स वाला बट बेटा मेल के गैमिट में तो दो कॉम्बिनेशन है 22 टू प्लस एक्स भी है और 22 टू प्लस वाई भी है ठीक है अब हमें नहीं पता यार कौन सा फ्यूज किया जाकर क्योंकि मिलियंस तो चाइल्ड था अगर ये वाला स्पर्म फ्यूज किया है तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा क्या होगा फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स यानी कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ गर्ल चाइल्ड ठीक है ये वाला इससे भी तो जुड़ सकता है दूसरा वाला स्पॉम भी तो आ सकता है तो यहां पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा 44 फोर प्लस एक्स वाई एंड हेयर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज गोइंग टू बी मेल चाइल्ड ठीक है तो कौन सा पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा इट इज एक्चुअली इन हैंड्स ऑफ मेल गैमेट फॉर्म्स हैं मिलियंस उस मिलियन में से 50 परसेंट के पास ये क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है 50 परसेंट के पास बेटा ये क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है सो इट इज एक्चुअली द फादर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन पुराने समय से इंडिया में फीमेल्स को यू you नो know, पुराने समय से इंडिया में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी वजह से लड़की हुई है क्योंकि इन द अर्ली टाइम्स And in some part of the sections today, also, the people don't want female child because they feel female child is a burden. So they blame the mother. ट यू आर रिस्पॉन्सिबल की लड़का नहीं हुआ है जबकि इट इज टोटली फॉल्स आपके सामने सारी साइंस है आप यहाँ क्रोमोजोम देख सकते हैं कि जो मदर है वो तो ट्वेंटी दे सकती है एक ही तरीके का एग बन सकता है बट स्पर्म्स दो तो तरीके के बन सकते हैं तो इट इज अ चांस फैक्टर एक्चुअली मेल के भी कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में होता तो बेटा वो कर ही लेता उसके भी कंट्रोल में नहीं है बट हाँ उसी के ग्रामिट की वजह से लड़का या फिर लड़की डिसाइड होगा कि कौन से वाला स्पर्म यूज कर रहा है क्या ये एक्स वाला है या वाई वाला

ठीक है ये सारे हैप्लॉयड थे लेकिन जो बच्चे के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया है डिप्लॉयड हो गया है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी उसके एक दिन के बाद कुछ घंटों के बाद वो डिवाइड करना चालू कर देगा देखिए ये था आपका फीमेल गैमीट ये था आपका मेल गैमीट दोनों फ्यूज करें फर्टिलाइजेशन हुई फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके पास एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया दैट इज कॉल्ड एजकॉट अब क्या ये एक सेल बहुत है अगली लाइफ बनाने के लिए नहीं इस यूनी सेल को सिंगल सेल को हम लोग मल्टी सेलर करेंगे कैसे करें डिवाइड कराओ। कौन सी डिविजन कराए मियोसिस कराएं या माइटोसिस कराएं आप मुझे बताइए हाँ जी बेटा बताएंगे मियोसिस कराएं या फिर माइटॉसिस कराएं Yes, please tell me, कौन से डिवीजन कराए इस जायगॉट में गाइज uh, uh, साढ़े सात बजे वाली क्लास पिन हो चुकी है साढ़े सात बजे वाली क्लास पिन हो चुकी है चैट सेक्शन में ऊपर देखिए साढ़े सात बजे वाली क्लास पिन हो चुकी है दिख रही है ना लेट मी ऑल्सो चेक हाँ जी कौन सी डिवीजन कराए तुम बता दो मुझे बिल्कुल सही है मियोसिस करा दोगे तो इतनी मुश्किल से जो तुमने डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर की वो डिप्लॉयड ही रह जाएगी अगर मियोसिस करा दोगे तो हेप्लॉयड हो जाएगी हम चाहते हैं हमारी बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड हो ठीक है इसके लिए टाइप ऑफ डिविजन अब यहां जो माइटोटिक नाम दिया गया है उसको उसको ऐसे mitosis नहीं बोलते बोलते अपने लोग क्या हैं ठीक है उस माइटोटिक डिविजन को अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा जी क्लीवेज बोलते हैं राइट right? उस माइटोटिक डिवीजन को अपने लोग क्या बोलते हैं क्लीवेज तो अब के अंदर क्लीवेज होंगी और इसके डॉटर सेल बनेंगे अब डॉटर सेल को क्या बोलोगे डॉटर सेल नहीं यहां पर जो डॉटर सेल छोटे छोटे बनेंगे एक से दो दो से चार चार से आठ ये जो डॉटर सेल है दीज डॉटर सेल्स आर कॉल्ड एज प्लास्टोमियर्स इन डॉटर सेल को बेटा जी आप क्या बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि इस जाएगाट के अराउंड अभी भी जोना पेल्यूसिडा है मैं बारी बारी बनाऊंगी नहीं बट रिमेंबर दिस कि अभी भी जोना पेल्यूसिडा है अभी वो टूटी नहीं है वो बहुत हार्ड बन चुकी है अभी भी वो प्रेजेंट है ठीक है सो वट इज क्लीवेज क्लीवेज इज अ डिविजन विच टेक्स प्लेस इन जायॉट टू फॉर्म ब्लास्टर्स पहले बेटा फर्स्ट क्लीवेज कराते हैं जो फर्स्ट क्लीवेज होती है ना इस प्लेन में होती है तो मैं यहां दिस प्लेन दिस प्लेन इज कॉल्ड एज मेरी प्लेन इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरी डायोनल प्लेन ठीक है अब जब बेटा ये क्लीवेज हो गई तो हमारे पास कितने ब्लास्टोमेयर बन गए दो ब्लास्टोमेयर बन गए अब जो अगली क्लीवेज होगी यानी कि सेकेंड एंड थर्ड क्लीवेज एक होगी आपकी मेरीडायोनियल प्लेन में और एक होगी इक्विटोरियल प्लेन में देख रहे हो एक सेल से दो सेल बन गए इस तरीके से अब इन दो सेलों में अपने ने फिर से डिवाइड करना है दो से चार बनाने हैं तो एक सेल के अंदर यही मेरीडायोनियल प्लेन में क्लीवेज होगी दूसरे के अंदर ऐसी होगी यानी कि एक सेल ऐसे डिवाइड करेगा इक्विटोरियल प्लेन में दूसरा सेल बेटा ऐसे डिवाइड करेगा ठीक है यानी कि द प्लेन ऑफ क्लीवेज इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर है ये मेरी डायोनियल है ये क्या है आपका इक्विटोरियल है तो धीरे धीरे जब बेटा इस तरीके की क्लीवेज होती है जब पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर गया देख रहे हो पूरा का पूरा जायगॉट डिवाइड कर गया क्योंकि अपने पास योग नहीं है अगर ये कहीं बर्ड का सेल होता बर्ड का जायगॉट होता तो उसके पास तो योग था योग क्लीवेज नहीं होने देता है क्योंकि वो बीच में रास्ता रोक देता है लेकिन हमारे पास तो योग नहीं होता योग नहीं होता इसीलिए बहुत आसान है ये क्लीवेज करना तो मेरी डायरियल क्लीवेज एंड देन इक्विटोरियल क्लीवेज पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो रहा है इस क्लीवेज को अपने क्या बोलते हैं होलो ब्लास्टिक क्लीवेज होलो मीन्स कंप्लीट पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो गया दूसरा सिंस यहां पर बेटा ऐसे सेकेंड और थर्ड क्लीवेज में परपेंडिकुलर बन रहा है दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज रोटेशनल क्लीवेज तो ह्यूमंस में जो क्लीवेज है वो क्या है बेटा एक तो होलोब्लास्टिक है क्योंकि पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो रहा है और सेकेंड और थर्ड क्लीवेज आपस में प्लेन उनका परपेंडिकुलर है ये क्लीवेज में कितना समय लगता है आप इमेजिन नहीं करेंगे फर्स्ट क्लीवेज होने होने में कितना समय लग जाता है तकरीबन तक तीस घंटे लग जाते हैं फर्स्ट माइटोसिस होने में थर्टी आवर्स विच इज ह्यूज विच इज़ ह्यूज बेटा दैट मीन्स ह्यूमन्स की जो क्लीवेज है वो कतई स्लो है लेजी क्लीवेज है इट इज़ अ स्लो क्लीवेज स्लो प्रोसेस प्लस दिस प्रोसेस इज ए संक्रॉनस प्रोसेस ठीक है स्लो है बहुत क्योंकि थर्टी आवर्स लग जा रहे हैं एक सेल को डिवाइड होने में प्लस ए सिंक्रॉनस ए संक्रॉनस मतलब अपनी मर्जी से चल रही है ऐसा नहीं है कि बेटा दो से चार चार से आठ आठ से सोलह ऐसा नहीं है दो से बीच में तीन भी आएगा टेम्परली आएगा बट आएगा चार के बाद बीच में पांच भी आ जाएगा तुम पूछो कैसे आएगा ये तीन नंबर कैसे बना ये तीन नंबर बनेगा जब बेटा ये जो दो ब्लास्टोमेयर बन गए हैं एक थोड़ा सा जल्दी डिवाइड कर जाए एक थोड़ा सा लेट हो जाए मान लो ये वाला सेल थोड़ा जल्दी डिवाइड कर गया ये पीछे रह गया तो थ्री सेल स्टेज आ जाएगी ना स्टेज आ जाएगी तो यहां पर सिंक्रनी नहीं है एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा बीच में कुछ भी ऑड नंबर भी आ सकता है इसीलिए ये क्लीवेज क्या है ए सिंक्रॉनस क्लीवेज है ठीक है ये क्लीवेज क्या है बेटा ए सिंक्रॉनस क्लीवेज है राइट right? चले तो एक क्लीवेज को होने में एक दिन लग गया तीस घंटे यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वन डे चौबीस घंटे तीस घंटे ऑलमोस्ट सेम ठीक है एक दिन लग जा रहा है एक क्लीवेज में तो ये एक स्लो और एक asynchronous है. इस तरीके से बेटा क्लीवेज होती जाएगी होती जाएगी कुछ समय बाद ये स्टेज बन जाएगा स्टिल सराउंडेड बाय जोना पेलेसेडा अभी यहाँ पर भी जोना पेलेसेडा है न, न, न। ये देखिए यहाँ पर भी जोना पेलेसेडा है एंड कुछ समय के बाद बेटा जी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विद अराउंडीन सेल्स देख रहे हो आठ से बत्तीस या फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा इस सिक्सटीन सेल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं मोरूला बोलते हैं मोरूला क्यों बोला क्योंकि बेटा ये शहतूत के गुच्छे की तरह है शहतूत का गुच्छा माने मलबेरी लाइक -like स्ट्रक्चर मलबेरी क्या होता है शहतूत ठीक है इट इज अ मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज वाई कॉल्ड एज मोरूला एक बात बहुत ही अमेजिंग है यहां से नोटिस करो जो साइज तुम्हारे जायगॉट का था अप्रोक्सीमेटली बेटा वही <laughs> वही साइज मोरूला का है साइज तो सेम है ना साइज क्यों सेम है बड़ा क्यों नहीं हो पाया ये क्योंकि बेटा बाहर अभी भी क्या प्रेजेंट है जोना पेलेडा प्रेजेंट है अब जायगोट और मोरूला का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है तो अंतर किसका है अंतर किसका है बेटा जायगोट और मोरूला का साइज सेम है तो डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस आ रहा है डीएनए कंटेंट का अगर मैं देखूंगी तो उसमें एक ही सेल का डीएनए कंटेंट है ठीक है लेकिन अगर मैं मोरूला देखूंगी तो उसमें 16 सेल का डीएनए कंटेंट है तो यार अपने ने सेल तो चाहे छोटे बना लिए पर डीएनए किस किसमें ज्यादा है आपके मोरूला में ज्यादा है समझ रहे हो साइज सेम है पर डीएनए का सामान में ज्यादा है जिसमें ज्यादा सेल है ज्यादा सेल किस में है मोरूला के अंदर है ठीक है हां जी चले आगे आगे चले मोर न्यूक्लियर कॉन्टेंट मोर डीएनए कॉन्टेंट वुड बी इन मोरूला एज कम्पेयर टू जय जी अब बेटा ये मोरूला मोरूला की तरह नहीं रहेगा इसके अंदर सेल्स आपस में रीअरेंज कर लेंगे सेल्स क्या कर लेंगे बेटा जी रीअरेंज कर लेंगे लेट मी जस्ट ट्राई दिस हां जी ये आपका जोना पहले सीटा अभी भी है अब अंदर के सेल्स ने बेटा क्या किया रीअरेंज कर लिया कुछ सेल ऐसे कोने पे आ गए ये जो कोने पे आ गए हैं सेल दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इसको अपने कौन से सेल्स बोलेंगे सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इसके अलावा बेटा सम सेल्स दे हैव एक्यूमोलेटेड हेयर लाइक अस्ट सिस्ट की तरह बेटा यहाँ पर चिपक गए हैं इसको अपने क्या बोलते हैं आई सी एम दैट इज इनर सेल मास इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क भी बोल सकते हो ये जो बीच में सिस्ट की तरह चिपक गए हैं ना यही एक्चुअली में एम्ब्रियो बनाएंगे इनर सेल मास जब ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है जिसमें बाहर ट्रोफोब्लास्ट आ गई अंदर आईसीएम आ गई और कुछ खाली जगह छूट गई देख रहे हो ये कुछ खाली जगह भी आ गई खाली जगह को क्या बोलते हो कैविटी बोलते हो कौन सी कैविटी लग रही है ये कौन सी कैविटी लग रही है बेटा दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील कैविटी क्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट इस पूरे स्ट्रक्चर का बेटा जी क्या नाम है ब्लास्टोसिस्ट इसको और क्या बोल सकते हो प्लास्टोला भी बोल सकते हो यानी कि पहले अपने पास था जाएगोर्ट. जाएगोर्ट से बना ये मोरूला मोरूला से बेटा अल्टीमेटली क्या बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा ब्लास्टोला बन जाएगा ठीक है यस yes, ब्लास्टोसिस्ट बन गया अब ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे 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 यहाँ से नीचे आएगा यहाँ पे आते आते बेटा ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है इमेजिन करो दिस इज द लोकेशन ऑफ मोरूला यहां पर कौन आ चुका है ब्लास्टोसिस्ट आ चुका है अब इस ब्लास्टोसिस्ट को बेटा नीचे आना है किसके पास आना है यूट्रस के पास आना है क्योंकि यूट्रस से ही तो इसने यूटरस होना है कैसे पता ये कैसे यूट्रस के पास ही आएगा बेटा यूट्रस ना एक यूट्राइन मिल्क रिलीज करते हैं जो इसको अपनी तरफ खींचता है कि वो कहता है कि आ ब्लास्टुला आ मेरे में समा जा ठीक है तो यूट्राइन मिल्क विल अट्रैक्ट द ब्लास्टोसिस्ट टुवर्ड्स तो इट और यहीं रस्ते में हम इस जोना पेलीसिडा को तोड़ेंगे और ब्लास्टोसिस्ट को बाहर निकालेंगे जोना पेलीसिडा क्यों तोड़ेंगे क्योंकि बेटा जब तक ये जेड पी है ये ग्रीन कलर की जेड पी है तब तक ये उसको यूट्रस से चिपकने नहीं देगी तो अपने को भी जोना को तोड़ना पड़ेगा जोना की हैचिंग करनी पड़ेगी तभी ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ से बाहर आएगा और नेक्स्ट स्टेप यानी कि इम्प्लांटेशन हो पाएगा जब तक जोना पेलीसिडा इंटैक्ट है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होती है ठीक है बेटा जब तक जोना है समझ रहे हो जब तक जोना है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती है तो अगला स्टेप इससे क्या होगा अगला स्टेप होगा जब जोना बेटा यहां से ऐसे टूट जाएगी टूट गई जोना टूटी तो आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये बाहर आएगा ये आपका ट्रोफोब्लास्ट ठीक है और यहां पर क्या प्रेजेंट है आपके इनर सेल मास दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जोना हैचिंग दिस प्रोसेस बेटा जी इज कॉल्ड एज जोना हैचिंग तो जोना हैचिंग के वक्त आपका ब्लास्टोसिस्ट जोना से बाहर आएगा बेटा इस टाइम पे एक मैजिक भी हो सकता है आपने सोचा नहीं होगा इस टाइम पर एक मैचिंग भी होता है कैसे टूटेगी वेरी गुड क्वेश्चन किसने पूछा अलीजा अलीजा बेटा टूटेगी विदेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ये देख रहे हो ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है ना ये कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे इन एंजाइम्स की वजह से ट्रोफोब्लास्ट टूट जाएगी एंजाइम्स एंजाइम्स तो की, वजह से बेटा जोना टूट तो जाएगी ठीक है तो ट्रोफोब्लास्ट ने एंजाइम रिलीज किए ये जोना टूटे जोना टूटी तो ये बाहर आएंगे एक मैजिक हो सकता है बेटा एक मैजिक हो सकता है यहाँ पर सोच के बताओ क्या मैजिक हो सकता है बेटा ये टूटने में बाहर आने में हो सकता है ये जाएगा ही, ये ब्लास्टोसिस्ट ही आधा आधा हिस्सा में टूट जाए यस yes. यहाँ पर इस प्रोसेस में जोना हैचिंग के वक्त देयर कुड बी वन मैजिक मैजिक इज कि बेटा ये अगर इस तरीके से दो हिस्सों में टूटा तो ट्विन्स बनने के चांसेस हैं दो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएंगे और ये जो ट्विन्स होंगे दे वुड बी मोनो ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स बनेंगे जिनकी शक्ल वगल सेम होती है सेक्स भी सेम होता है ये एक तिल विल का फर्क होता है बाकी ऑलमोस्ट वो बच्चे क्या होते हैं सेम होते हैं तो आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं जोना हैचिंग के वक्त अगर ये ब्लास्टोसिस्ट के दो टुकड़े हो जाएंगे तो आपके आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे आपने बेटा ये आइडेंटिकल अपने स्कूल में या घर में रिलेटिव्स में देखे होंगे देखे हैं किसी ने हाँ जी बताइए देखिए हां जी देखिए नो सूफिया मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते फिंगरप्रिंट्स दे आर डिफरेंट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आल्सो। फिंगरप्रिंट्स तो बेटा आप भी अपने बदल सकते हो देर आर सिंपल सर्जरीज जिससे आप अपने फिंगरप्रिंट्स चेंज कर सकते हो यस yes. माधव तुम मत सुनो तुम मत सुनो गाना है ना बाकी बच्चे सुनना चाहते हो बैठे तुम जाओ तुम जाओ ना तुमको कौन पकड़ के बैठा है यहाँ पर किसके लिए बैठे हो हाँ हाँ असल मूवीज भी हैं ऑफ कोर्स बेटा बहुत सारी मूवीज भी हैं चलिए अब आपका ब्लास्टोसिस्ट बेटा यहाँ से बाहर आ गया ब्लास्टोसिस्ट बाहर आने का मतलब है नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट इज रेडी टू बी इम्प्लांटेड ये इम्प्लांट होने के लिए बेटा बिल्कुल तैयार हो चुका है इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में क्या होगा दिस कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट विल एंटर एंड विल फिट इन दिस एंडोमेट्रियम अंदर बेटा बिल्कुल अटैच हो जाएगा this process of attachment of blastocyst to the endometrium this process is called as implantation to agla jo process hoga wo kya hoga Implantation होगा इस implantation में क्या हो रहा है इस implantation में बेटा ओहो कहा गया यस oh, yes, here. इस implantation में बेटा blastocyst इस endometrium के अंदर entry ले रहा है जब ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम के अंदर एंट्री ले लेगा फॉर एग्जाम्पल बेटा हम ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ भी बना देते हैं कौन से कलर है ब्लू कलर का है तो बना दो ओके okay, मान लीजिए बेटा ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है इसने अंदर एंट्री ले ली ये ट्रोफो ब्लास्ट है ठीक है एंड ये आपका आई है दिस इज योर आई अंदर एंट्री ले ली ठीक है इम्प्लांट हो गया जब बेटा ये इम्प्लांटेशन हो जाती है तब जाकर फीमेल को क्या बोला जाता है प्रेग्नेंट। इससे पहले बेटा प्रेगनेंसी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड तो बेटा जब इम्प्लांटेशन होगी इम्प्लांटेशन यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट याद रखेंगे बेटा इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट की होती है ना जयगॉट की होती है ना मोरूला की होती है टू एंडो ओहो ठीक तो है यार आई बिलीव इट्स फाइन यस आई बिलीव इट्स फाइन जी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टर्सिस टू द एंडोमेट्रियम दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन कितने दिनों के बाद हुई सिक्स टू सेवन डेज एक हफ्ता लग जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के छ से सात दिन के बाद क्या होती है बेटा जी इम्प्लांटेशन होती है समझ रहे हो यानी कि फीमेल को प्रेग्नेंट कब घोषित किया जाएगा फीमेल प्रेग्नेंट तभी कहलाएगी वंस द प्लास्टोसिस्ट हैज इम्प्लांटेटेड यानी कि इट विल एस्टैब्लिश द प्रेगनेंसी जैसे ही बेटा जी इम्प्लांटेशन हो जाएगी ये मान लीजिए इम्प्लांटेशन हो गई ये जो आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के नाम बदल जाएगा अब इस एंडोमेट्रियम को तुम लोग बोलोगे डेसीडुआ क्या बोलोगे डेसीडुआ इससे पहले वो एंडोमेट्रियम ही था लेकिन आफ्टर इम ये देखिए या देखिए बेटा जी इम हो चुकी है आफ्टर इम यू विल कॉल दिस एज यू विल कॉल दिस एज डेसिडुआ इस डेसीडुआ के बेटा तीन चार हिस्से हैं तीन चार हिस्से हैं यहाँ पर सबसे पहले बेटा ये वाला हिस्सा द पार्ट ऑफ द डेसिडुआ द पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम जो, जो कि इस ब्लास्टोसिस्ट और मायोमेट्रियम के बीच में है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डेडुआ बेसलिस दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डेसीडुआ बेसलिस इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पार्ट क्या है डेसिडुआ कैप्सुलरिस डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड ये जो साइड पे जितना भी बच गया ये बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा पेराइटालिस समझ गए तो डेसीडुआ वर्ड किसको दिया है डेसीडुआ वर्ड अपने ने एंडोमेट्रियम को दिया है आफ्टर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन हो गई अंदर चला गया इसका नाम बदल गया डेसीडुआ अब यार अगर तो इम्प्लांटेशन सही जगह हो रही है तो ठीक है फीमेल ठीक जगह पे प्रेगनेंसी यू नो एस्टैब्लिश होगी कई बार गलती से बेटा जोना हैचिंग ऊपर ही हो जाती है इस फेलोपियन ट्यूब में ही जोना हैचिंग हो जाती है गलती हो जाती है जल्दी मच जाती है गलती से जोना हैचिंग बेटा अगर ऊपर हो गई तो ये इम्प्लांटेशन ऊपर फेलोपियन ट्यूब में हो जाएगी यानी कि अगर इम्प्लांटेशन सही जगह सही जगह यानी कि सही जगह तो बेटा इसकी यूट्रस है अगर इम्प्लांटेशन इस यूट्रस के अलावा कहीं फेलोपियन ट्यूब में हो गया यहाँ कहीं इम्प्लांटेशन हो गया उस प्रेगनेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक टॉपिक तो इफ इम्प्लांटेशन अकर्स एट सम अदर द यूट्रस दैट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर बेटा ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में हो रही है तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं एक्टोपिक एंड ट्यूबल प्रेगनेंसी, वेयर इम्प्लांटेशन अकर्ज इन द फेलोपियन ट्यूब अब बेटा अगर इम्प्लांटेशन इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई है तो क्या इसको रहने दें नौ महीने बेटा रहने दें नहीं रहने दे सकते डॉक्टर कोअल्ट्रा साहब में पता चल जाएगा डॉक्टर उसी टाइम पर सजेस्ट करेंगे दैट वी हैव टू तो अबाउट दिस फीटस वाई बिकॉज बेटा अगर हमने इस प्रेगनेंसी को यहाँ पर अलाउ किया अलाउ करने पे बेटा ये बड़ा होगा धीरे धीरे पहले इतना साइज है इतना बड़ा होगा इतना बड़ा होगा क्योंकि यार फीटस ने तो अपना साइज बढ़ाना है और अगर ये बड़ा हुआ फीमेल की फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगी दैट कुड बी रियली रियली वेरी रिस्की फॉर अ फीमेल फॉर द मदर इसीलिए ट्यूबल प्रेगनेंसी एक टॉपिक प्रेग्नेंसी को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसको हमें अबॉड करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज मदर की हेल्थ को मदर के फेलोपियन ट्यूब को बहुत रिस्क है यस <coughs> हाँ जी पता चला बताइए आप उसमें बातें बंद करेंगे हाँ जी इट कैन अटैच टू एनी साइड विजय उर्मिला बेटा एक बार अकेडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो तुम्हें दिखने लग जाएगा उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है हाँ जी क्लैरिटी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हाँ जी जब बेटा ये यूट्रस में ये एंडोमेट्रियम के अंदर आपका ब्लास्टोसिस्ट बेटा जी इम्प्लांट कर लेता है यहाँ पे देखिए एंडोमेट्रियम के अंदर द ब्लास्टोसिस्ट हैज इम्प्लांटेड इम्प्लांटेशन के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना ये ट्रोफोब्लास्ट कुछ हार्मोन रिलीज करती है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज आफ्टर इम्प्लांटेशन इट इज गोइंग टू रिलीज अ हार्मोन दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एच सी जी एच सी जी स्टैंड फॉर दैट हार्मोन बेटा जी इज कॉल्ड एज एच सी जी दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो ट्रॉपिन ये कब रिलीज होता है इम्प्लांटेशन के बाद किसके द्वारा रिलीज होता है पाए द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट यही वो हार्मोन है बेटा जो धीरे धीरे ट्रैवल करके किस में आएगा मदर के ब्लड में आएगा ब्लड से अल्टीमेटली फिल्टर होके किस में पहुंच जाएगा यूरिन में पहुंच जाएगा तो आपने एक टेस्ट सुना होगा यार होम प्रेगनेंसी किट टेस्ट देखिए टीवी में भी ऐड आती है इतनी सी स्ट्रिप होती है जिसपे वो बोलते हैं यूरिन सैंपल डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है ठीक है वो जो होम प्रेगनेंसी के टेस्ट है यूरिन स्ट्रिप टेस्ट है उस यूरिन में वो क्या टेस्ट कर रहा है दैट टेस्ट इज एक्चुअली टेस्टिंग एच सी जी ओनली तो ये जो प्रेगनेंसी वाला टेस्ट है इसी टेस्ट को अपने लोग क्या बोलते हैं ग्राविडेक्स टेस्ट ग्राविडेक्स टेस्ट एंड ये बेटा यूरिन टेस्ट है इस यूरिन टेस्ट में क्या डिटेक्ट हो रहा है एच सी जी इज गेटिंग एच सी जी का डिटेक्शन कर रहे हैं ठीक है तो बेटा कुछ फीमेल्स ना राइट आफ्टर इंटरकोर्स टेस्ट करने चली जाती है टेस्ट कर लेती है उनको लगता है कि उन्हें उसी दिन पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है बेटा अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगी ना तो भी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा हफ्ते बाद ठीक है तो भी बेटा जी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा हफ्ते बाद क्यों क्योंकि यार इस टेस्ट में इस टेस्ट ने काम ही तब करना है जब इम्प्लांटेशन हो गई है इम्प्लांटेशन कब होगी ऑलमोस्ट हफ्ते के बाद होगी इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका एच कहीं जाकर यूरिन में डिटेक्ट होगा तो पहले ही दिन टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है तो आपको फर्टिलाइजेशन के कम से कम एक हफ्ता आठ दिन का वेट करना चाहिए तब ये टेस्ट करिए तब जाकर आपका एच अगर हुआ तो यूरिन या फिर ब्लड दोनों में अपियर होगा ठीक है यस बेटा ठीक है पता चल गया डन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में पता चल गया हां जी तो ये बात हो गई बेटा आपके ब्लास्टोसिस्ट की हम लोग ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच चुके हैं ब्लास्टोसिस्ट को अपने ने क्या करा दिया इम्प्लांट करा दिया हाँ जी बेटा लास्ट लेक्चर है हाँ जी ऊपर दिख रहा है ना मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाला सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा इस बड़े सेशन के बाद एक ओपन हाउस भी है उस ओपन हाउस के बाद हमारा वो भी है क्या कहते हैं स्पेशल क्लास भी है तो इट्स क्विंट भी आप आज साढ़े पाँच से लेकर मेरे ख्याल से साढ़े आठ बजे तक मेरे साथ ही हो तो जस्ट बी रेडी टू बियर मी टिल एट थर्टी ठीक हाँ जी तो अपना ब्लास्टोसिस्ट हो गया इम्प्लांट हो गया इम्प्लांट के बाद अपने ने टेस्ट भी कर लिया अब ब्लास्टोसिस्ट से आगे भी अपने को डिवीजन करनी है अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर सेल मास है उसमें चेंजेस आएंगे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बेटा जी जो इनर सेल मास है उसमें चेंजेस आएंगे ऊपर के सेल अलग से हो जाएंगे नीचे के सेल बेटा जी अलग से हो जाएंगे ठीक है द अपर सेल्स दे आर कॉल्ड एज एपी ब्लास्ट एंड द लोअर सेल बेटा जी दे आर कॉल्ड एज द हाइपोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट एपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट एपी ब्लास्ट इज सोर्स ऑफ ऑल द जर्म लेयर्स यानी कि एपी ब्लास्ट से क्या बनेगा सबसे पहले एंडोडर्म बनेगी एम्ब्रियो की देन क्या बनेगा मीजोडर्म बनेगी एंड देन क्या बनेगा एक्टोडर्म बनेगी ये तीनों चीज़ें क्या है? ये तीनो हैं ये तीनों चीज़ें हैं एम्ब्रियनिक जॉम्बलेर्स दीज आर एम्ब्रियनिक जॉम्लेर्स यही एम्ब्रियनिक जॉम्लियर्स हैं बेटा अपने ट्रिप्लो है क्या ना यही एम्ब्रियनिक जॉम्बलियर्स हैं जो अपने टिश्यूज बनाएंगे ठीक है सो इट इज़ एक्चुअली एपीब्लास्ट जो कि अल्टीमेटली एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बनाती है ये जो जर्म लेयर फॉर्मेशन का प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन दिस प्रोसेस बेटा जी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन जिसमें किस तरीके से एपीब्लास्ट से एंडोडर्म मिजोडम और एक्टोडर्म इसी ऑर्डर में बन रहा है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन गैस्ट्रोलेशन में बहुत सारी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगी साथ ही में बेटा गैस में जर्म लेयर्स बनेंगी इस गैस का पूरा प्रोसेस अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे लिंक ट्री पे मैंने डिटेल सेशन जब लिया था ना ट्वेल्थ का वो आप अटेंड कर सकते हैं लिंक ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर तुमको चाहिए हो तो मुझे बता देना स्पेशल क्लास में टेलीग्राम पर वो गैस वाला आपको सेशन प्रॉपर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उस गैस के प्रोसेस को डिटेल में देख पाएं ऑल ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ पहले होता था तो जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसमें तुम्हें तो गैस्ट्रेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा कि स्टार्ट ऑफ ऑफ कैसे कैसे होता है, primitive streak बन रही है, stop कैसे होता है obliteration of है है स्ट्रीक बन रही स्टॉप ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं जब मैंने संजीवनी यानी कि नीट थ्री पॉइंट जब लिया था आप मुझे याद करवाइएगा स्पेशल क्लास में मैं आपके साथ वो डिटेल सेशन शेयर कर दूंगी बट यहां पर अपने मोर और लेस एनसीआर तक सीमित रहेंगे एनसीआरटी वाला बेटा अपने आगे चलते हैं गैस्ट्रुलेशन मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि इसमें एम्ब्रियोनिक जॉमलेयर्स बन रही हैं इसी एम्ब्रियोनिक जॉमलेयर से टिश्यू बनने हैं इन्हीं टिश्यूज से क्या बनने हैं सारे ऑर्गन्स बनने हैं ठीक है बेटा इन्हीं टिश्यूज से क्या बनने हैं सारे के सारे ऑर्गन्स बनने हैं हाँ जी राइट right? <coughs> सी दिक्कत चल रही है बेटा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है टोपी वोपी क्यों भेज रहे हो हैं कोई गुलाब भेज रहा है कोई टोपी भेज रहा है बेटा ये मुफ्त सेशन है मुझे टोपी भेजने से कुछ नहीं होगा मुझे टोपी पहना रहे हो हैं मुझे ही टोपी बनाएंगे एक तो मैं फ्री में ज्ञान मान रही हूँ ऊपर से बेटा तुम तो आगे मुझे टोपी पहना रहे हो चलो कोई एज अ जेस्टर कुछ दो तो समझ आता है बट तुम तो यार टोपी पहनाने का काम कर रहे हो है ना तो ये जो बच्चे अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना वो बच्चे बेटा मैं बता रही हूँ कुछ अच्छा ना करने बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी क्या शेख वॉट इज नॉट क्लियर बताइए नहीं आएगी किमनू नहीं आएगी बट फिर भी मैं तुमको बोलूँगी कि बींग अ गुड स्टूडेंट आप वो एक बारी सेशन देख लेना जस्ट जस्ट गो थ्रू इट वंस वैसे नहीं आएगा इतना ही आता है हाँ जी ठीक है ओह दिस इज ऑल्सो गुड मैम ये लोग अपने आप को टोपी बाज समझते हैं बेटा ये मैंने वर्ड पहली बार ही सुना है कि टोपी बाज भी होता है कोई तो ये लोग बड़े टोपीबाज हैं ठीक है ये लोग बड़े टोपीबाज हैं हाँ सही कह रहे सही कह रहे हो बेटा दामिनी कि हमारा कंपटीशन क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है हमारा बेटा कंपटीशन क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है सही कह रहे हो चलिए ओके okay, तो अल्टीमेटली बस मुझे ये बताना था कि जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास है उस इनर सेल मास से ऊपर की साइड पर कॉल्यूमनार सेल्स बनेंगे जिनका नाम है एपीब्लास्ट ये एपीब्लास्ट से तीनों जर्मलियर्स बनेंगी और ये जर्मलियर्स अल्टीमेटली क्या बनाते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं अब इन ऑर्गन्स को बनने के लिए खाना पीना ऑक्सीजन ग्लूकोज अमाइनो एसिड सब कुछ चाहिए ये सारा न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलेगा ये न्यूट्रिशन उनको मिलेगा एक टिश्यू से एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्या है एक तरीके का न्यूट्रिटिव टिश्यू है न्यूट्रिटिव टिश्यू है प्लेसेंटा क्या है बेटा एक तरीके का कनेक्शन है मदर और चाइल्ड में प्लेसेंटा एक टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है टेम्प्रेरी है टेम्प्रेरी मतलब ये सिर्फ जेस्टेशन के वक्त ही बनता है वैसे तो बनता नहीं है वैसे तो बनता नहीं है तो प्लेसेंटा इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू प्लेसेंटा इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड एंड प्लेसेंटा इज अ टेम्प्रेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इस प्लेसेंटा से सिर्फ न्यूट्रिशनरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती है इस प्लेसेंटा से ही रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी यानी कि ऑक्सीजन सी ओ टू यहीं से एक्सचेंज होगा इससे बेटा आपकी एक्सक्रीटरी रिक्वायरमेंट भी एक्सचेंज होगी यानी कि जो भी फीटस नाइट्रोजनस वेस्ट बना रहे हैं वो प्लेसेंटा से मदर की तरफ आ जाएगा जो भी मदर ने फूड तैयार किया है वो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ आ जाएगा यानी कि अगर ये बेटा जी आपके फीटस है मान लीजिए दिस इज़ द फीटस ठीक है देन ये क्या है आपका प्लेसेंटा ये जो बैरियर हमने बनाया है ये क्या है बेटा जी प्लेसेंटा द ग्रीन वन इज प्लेसेंटा इधर वाली साइड पे बेटा जो भी सामान है ये किसका है मदर का है दिस इज मदर साइड मदर साइड और ये आपका क्या है फीटस तो फीटस को अगर कुछ भी मदर से लेना है वो ये प्लेसेंटा के बारियर को क्रॉस करके आएंगे यानी कि प्लेसेंटा एक दीवार की तरह है दीवार नहीं होती दीवार में जैसे खिड़की लगी होती है उस खिड़की से बेटा सामान आदान प्रदान होता है कुछ घरों में भी ऐसे होता है कि जो किचन होती है और डाइनिंग रूम होता है उसके बीच में से खिड़की से लगी होती है इधर से रोटी बनती जा रही है उधर हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं तो ऐसा ही है तो ये जो फीटस है ना फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ये मैंने क्या बनाया है ये हमने बनाई है अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड इस अम्बलिकल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होगा इस अम्बलिकल कॉर्ड में बेटा यहाँ पर अम्बलिकल आर्टरीज हैं एंड साथ में क्या प्रेजेंट है अम्बलिकल वेन्स प्रेजेंट है यानी कि अगर फीटस को कुछ भी भेजना है मदर को तो अम्बलिकल कॉर्ड के पास जाएगा फिर प्लेसेंटा से होते हुए मदर के पास अगर मदर को कुछ भी भेजना है तो प्लेसेंटा से होते हुए यहाँ आगे चला जाएगा सोचने वाली बात यह है कि इस अम्बलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स हैं इस अम्बलिकल कॉर्ड में बेटा जो ब्लड है क्या वो ब्लड 100% परसेंट फीटस का ब्लड है या फिर वो ब्लड में मदर का भी कुछ हाथ है इस अम्बलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है इज इट जस्ट द मदर ब्लड ऑफ फीटस और इट हैज सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मदर ऑल्सो आधा आधा है या दोनों का हाँ जी बेटा अम्बलिकल आर्टरीज भी अम्बलिकल वेन्स भी है दो अम्बलिकल आर्टरीज हैं आप तब तक सोचिए अम्बिलिकल आर्टरीज कितनी हैं दो एंड अम्बिलिकल वेन्स वेन कितनी है अम्बिलिकल आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ये अम्लिकल वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन की तरह हां जी श्रेया कुमारी को लगता है कि अम्बिलिकल वेसल्स के अंदर बोथ मदर और फीटस का ब्लड होगा एक बात मेरी सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैंने एक लाइन बोली थी यार प्लेसेंटा एक दीवार है ये दीवार मदर के ब्लड को इधर नहीं आने देगी ये दीवार है बेटा इतनी बड़ी ये जो हरे रंग की हमने बनाई है दिस इज़ अ दीवार इस दीवार से मदर का ब्लड नहीं आ सकता मदर के ब्लड में से सब्सटेंसेस आ सकते हैं ग्लूकोज आ गया अमाइनो एसिड आ गया ऑक्सीजन आ गया ब्लड नहीं आ सकता यानी कि अगर ये इतनी बड़ी दीवार प्रेजेंट है मदर का ब्लड तो नहीं आ पा रहा है यानी कि इस पूरे अम्बिलिकल आर्टरी वाले में 100 परसेंट किसका ब्लड है बेटा 100 परसेंट किसका ब्लड है बता दो 100 परसेंट बेटा किसका ब्लड है ब्लड हंड्रेड परसेंट मदर का कोई भी अंश नहीं है हो भी नहीं सकता बेटा हो भी नहीं सकता दिक्कत हो जाएगी जरूरी नहीं है मदर का ब्लड ग्रुप और फीटस का ब्लड ग्रुप एक होगा मदर का कई बार ब्लड ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले बेटा अगर मिल गए तो आपस में एक लुटिनेशन रिएक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल इवन और ऐसा होता भी नहीं है ठीक है तो जो लाइन है ना पुरानी मूवीज में कि तेरे अंदर तेरी मम्मी का खून है तेरी रगों में तेरी माँ का खून है तो बाहर आ ऐसा होता नहीं किसी की रगों में किसी की माँ का खून नहीं होता है इट इज द प्लेसेंटा विच नेवर अलाउ योर योर मदर मदर्स ब्लड टू एंटर इंटू द ब्लड ऑफ दे आर ऑलवेज ऑलवेज सेपरेटेड ठीक है दे आर ऑलवेज ऑलवेज सेपरेटेड समझ गए बेटा बीच में दीवार है ना प्रिया नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा एक लुटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी है ना एक लुटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी अगर ऐसा हुआ था कल बेटा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कल हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस करने हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस करने हैं चलिए तो अब बेटा आपको पता चल गया है कि प्लेसेंटा एक न्यूट्रेटिव है प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू भी है प्लेसेंटा कब बनता है और क्या क्या काम करता है ये डिस्कस कर लेते हैं सो फंक्शन प्लेसेंटा बेटा तकरीबन तीन महीने के बाद बनता है यानी कि आफ्टर ट्वेल्व वीक्स ऑफ जेस्टेशन 12 हफ्तों के बाद आपका प्लेसेंटा रेडी हो जाएगा यानी कि आप फोर्थ मंथ से लगा सकते हो कि प्लेसेंटा है उससे पहले बेटा नॉर्मली ही एक्सचेंज हो जाता है सो so ये जो प्लेसेंटा है इसने बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज किए कौन से हार्मोन रिलीज किए प्लेसेंटा इज़ अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन जो काम अपना ओवरी करता है ना तो वो ये काम कर सकता है एस्ट्रोजन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन भी प्लेसेंटा से आता है प्रोजेस्टेरोन के अलावा बेटा ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रॉपिन ह्यूमन कुरियोनिक सोमैटोट्रोपिन ये किसकी तरह काम करेगा बेटा सोमैटोट्रॉपिन होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करते हैं तो फीटस की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है प्लेसेंटा रिलीज करता है इट ऑल्स इट ऑल्सो रिलीजिस ह्यूमन कुरियोनिक थाइरोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक थारोट्रोपिन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा इट विल ऑल्सो रिलीज ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एच पी एल ह्यूमन प्लासेंटल मतलब प्लेसेंटा से आया लैक्टोजन लैक्टोजन इज रिलेटेड टू लैक्टेशन यानी कि ये हार्मोन मदर के मैमरी ग्लैंड्स को स्ट्रॉन्ग करेगा प्रिपेयर करेगा बेटा क्योंकि इसने ब्रेस्ट फीडिंग करनी है को क्या करेगा बेटा जी प्रिपेयर कर लेगा साथ ही में इट विल ऑल्सो रिलीज एच सी जी ह्यूमन क्रियानिकोनाडो ठीक है अब बेटा एक और हार्मोन आपकी ओवरी से आता है कॉर्पस ल्यूटियम से आता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन ठीक है रिलैक्सिन क्या करेगा इट विल रिलैक्स और डायलेट द प्यूबिक सिंफिस ड्यूरिंग डिलीवरी इट विल डायलेट प्यूबिक सिंफाइसिस ड्यूरिंग डिलीवरी तो ये सारे काम किसके हैं ये जो हॉर्मोन्स बेटा मैंने बताए हैं ये किसने रिलीज़ किए हैं प्लेसेंटा ने ये जो मैंने रिलैक्सिन बताया है ये किसने रिलीज किया है ओवरी ने ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी ठीक है हाँ जी इट विल सॉफ्टिस याद रखेंगे तो प्लेसेंटा एक टेम्प्ररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है क्योंकि ये कुछ ही महीने के लिए बनता है उसके बाद बॉडी से बाहर आ जाता है अगर मैं आपको प्लेसेंटा दिखाऊं तो लेट मी जस्ट शो यू हाँ जी ये डायग्राम देखिए यह आपका एनसीआर का ही डायग्राम है दिस इज द फीटस ठीक है ये आपकी क्या है अम्बलिकल कॉड है दिस इज योर अम्बलिकल कॉड ये जो बेटा आप देख रहे हैं दिस होल इज प्लेसेंटा ये जो आप देख रहे हैं बेटा प्लेसेंटा प्लेसेंटा के साइड पे ये क्या है कोरियोनिक विल्ला है कोरियन एमनियन एंड यू you नो know, uh... एलेंटॉई योकसैक ये चार एक्स्ट्रा जर्म जर्मलर्स होती हैं जो सबसे बाहर वाली होती है वो कोरियन होती है कोरियन क्या करती है बेटा बाहर विल्लाई टाइप स्ट्रक्चर बना देगी ये विल्लाई क्यों बनाए हैं ताकि मदर के ब्लड से आसानी से एक्सचेंज हो पाए सरफेस एरिया बढ़ जाए तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है सारे प्लेसेंटा है ऑल्डो ये एक तरीके का बैरियर है ये मदर के ब्लड को एंट्री नहीं देगा बट मदर के ब्लड में से सब इस बैरियर को क्रॉस करके आ सकते हैं तो इसी एक्सचेंज के लिए हमने सरफेस एरिया बढ़ाया है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अपने ने क्या यूज किए हैं प्लासेंटल ठीक है बेटा बेटा ये ये है है तुम देख रहे हो पर बट बहुत ही छोटा सा नेगलिजिबल है होता है बट इट इज नेग्लिजिबल जी ठीक है यस पता चला तो एम्ब्रियो इस तरीके से एक बैग के अंदर प्रेजेंट है ये देखो यार ये बैग है ये बैग किसने बनाया है एमनियन ने बनाया है, है। यहाँ पर क्या है एमनियोटिक फ्लूड है एम्ब्रियो बेटा सूख ना जाए डेसिकेट ना कर जाए इसीलिए इसके बाहर फ्लूइड रहता है एमनियोटिक फ्लूड जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रिलीज करती है दैट इज एमनियन ठीक है जब बेटा बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब ये एमनियोटिक सैक टूटता है ये जो सारा पानी है पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूड है सारा बाहर आ जाएगा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर ब्रेक हो जाना ठीक है देन उसके बाद बच्चे का बर्थ होगा बर्थ के बाद हम ये प्लेसेंटा को भी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं बेटा जिसमें प्लेसेंटा अंदर रह जाता है बट हमारे में ऐसा नहीं होता जन्म के बाद ह्यूम में दो तीन यू नो you know, दस पंद्रह मिनट में प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है झड़ जाता है प्लेसेंटा एक तरीके से दैट इज वाई आवर प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज डेडुएट प्लेसेंटा इसको हम क्या बोलते हैं डेसीडुएट प्लेसेंटा बोलते हैं डेसीडुअस समझते हो ना झड़ने को क्या बोलते हैं अपने लोग डेसीडुअस तो यहां पर प्लेसेंटा बर्थ के बाद बाहर आ रहा है इसीलिए हमारा प्लेसेंटा कैसा है डेसीडुएट प्लेसेंटा है ओके okay. हाँ जी ओके okay, ओमकार ओमकार तब तक आप पीडीएफ आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तब तक बेटा जी आप पीडीएफ ले लीजिए मेरे टेलीग्राम से टेलीग्राम का लिंक है टी डॉट मी स्लैश सीप मैम ठीक है ओमकार सब बच्चों को बता रही हूँ नीट वन ओ वन की भी बॉटनी की भी और जोआलॉजी की भी सारी पी डी एफ़्स आपके अवेलेबल हैं इस टेलीग्राम पे या फिर आप जाइए सीप पाहूजा बायोलॉजी दोनों में से कोई भी नाम डालो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आप इसको ज्वाइन कर लेना उसके फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी पी मिल जाएंगी ठीक है उसके फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपकी सारी पी मिल जाएंगी मिस्टर शेख कॉर्पस ल्यूटियम खत्म ही कब हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम तो था शुरू से कॉर्पस ल्यूटियम है तभी तो प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स है वो तो जिंदा ही है वो तो ओवरी में है ही ठीक है हाँ जी यस जी बड़े अजीब डाउट है बड़े ही अजीब डाउट है मतलब तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो कि तुम लोग वकील बनने वाले हो ये बताओ मुझे लगता नहीं तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो डाउट पूछ रहे हैं मैं बोल रही हूँ प्लेसेंटा बाहर है प्लेसेंटा बाहर नहीं आया तो फिर क्या होगा यो ये एमनियोटिक फ्लूड नहीं बाहर आया तो एमनियॉन नहीं टूटी तो बिल्कुल वकीलों वाली बातें कर रहे हैं है ना एम मैं कि बाहर आता है नहीं आया तो बताओ मैम क्या होगा है ना सारा कुछ अभी बता देंगे तो एम में क्या सीखेंगे एम में क्या सीखेंगे सर्जरी में क्या सीखेंगे हैं तो यहाँ पे बेटा अभी वो चीज़ करिए जो आपके लिए वैलिड है जो पेपर में नीट में पूछी जा सकती है ऐसा ना हो कि हम आधा एम बी बी एस यहाँ कर लें और एम बी बी एस के अंदर सिलेक्शन ही ना हो ये बच्चे करते हैं गलती एक ही चैप्टर को इतना डिटेल पढ़ लेंगे इतना डिटेल पढ़ लेंगे आपके एम बी बी एस लेवल का वो सीख के क्या फ़ायदा अगर डिग्री के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाए तो पहले एलिजिबिलिटी क्रिएट करो एलिजिबिलिटी है इससे एलिजिबल हो जाओ तीनों सब्जेक्ट पढ़ के उसके बाद बेटा जो मन चाहे जो मन चाहे पढ़ना ठीक है है ना चलिए आ जाइए बेटा जिस बच्चे को और नहीं आता है और वो बच्चा यहाँ पर घूम रहा है तो मैं बोलूँगी बेटा जी बहुत गलत जगह पे हो पहले ग्यारहवीं पढ़ के आइए फिर बारहवीं पढ़िए ठीक है ये क्लास उनके लिए है जिनको इलेवेंथ आती है जिनको इलेवेंथ आती है आप अगर पूछ रहे हैं कि अरिथ्रो क्या होता है तो आपको इलेवेंथ नहीं आती है तो आपके लिए ये क्लास नहीं बनी है अगर आप इस साल नीट देने वाले हैं तो मुझे बहुत आशंका है कि होगा या नहीं होगा क्योंकि अभी आपको इलेवेंथ ही नहीं आती है तो पहले इलेवेंथ पढ़िए बेसिक्स समझिए बेसिक्स के बाद ये समझिए ठीक है हाँ जी चलिए तो ये बात होगी बेटा आपके प्लेसेंटा की प्लेसेंटा ने तीन महीने के बाद बन जाना है और पूरा समय न्यूट्रिशन देते रहना है अब बेटा ये जो टोटल टाइम पीरियड है जिसके बीच में ये ग्रोथ हो रही है प्लेसेंटा बन रहा है फीटस का साइज बन रहा बढ़ रहा है ऑर्गन बन रहे हैं इस पूरे पीरियड को अपने लोग क्या बोल देते हैं दिस होल पीरियड ऑफ नाइन मंथ्स दिस इज कॉल्ड एज चेस्टेशन पीरियड हाँ जी इसको अपने लोग क्या बोल देते हैं जेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं ये जेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में कितने टाइम का होता है ह्यूमंस में देखिए तो बेटा इट इज टू सिक्सटी सिक्स डेज इट इज ऑफ टू सिक्स अगर फर्टिलाइजेशन से काउंट करें तो 266 डेज अगर मैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 280 डेज फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ रहे हो गैप कितने दिनों का है चौदह दिन का यानी कि ओविलेशन से चौदह दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली आपकी क्या होगी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये ये चीज़ समझने के लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने कल कराया था ना वो आना चाहिए ये मैंने यहाँ से बताया ये फोर्टीन डे है ये ट्वेंटी एट डे है बेटा ये डे नंबर वन है अगर इमेजिन करिए आपका फर्टिलाइजेशन तकरीबन चौदह दिन

हो जाता है कई बार प्रीमे डिलीवरीज भी हो जाती हैं ठीक है जेस्टेशन पीरियड बेटा सब में अलग अलग है जैसे ह्यूमन में नौ महीने का है अगर लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट में दो साल का एलिफेंट के अंदर देखें तो अराउंड 22 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड है तो उनके अंदर लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है तकरीबन दो साल का काउ में देखो बफेलो में देखो तो नौ दस महीने का काउ में बेटा हमारे जितना ही होता है नाइन मंथ्स बफेलो में देखो तो दस महीने टेन मंथ्स अब बेटा हमारे नौ महीने की अगर मैं बात करूं, इन नौ महीनों को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है यस yes, इन नौ महीनों को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है पहला हिस्सा फर्स्ट थ्री मंथ्स फर्स्ट थ्री मंथ्स को अपने लोग बोलेंगे फर्स्ट टू थर्ड मंथ को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर दिमा तीन महीने का ग्रुप है ना तो ट्राइमेस्टर देन बेटा सेकेंड ग्रुप को हम बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मंथ वुड बी कॉल्ड एज सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड तीसरा और आखिरी ट्राइमेस्टर कौन सा होगा सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ मंथ ठीक है सेवेंथ एर्थ एंड नाइन्थ मंथ दिस वुड बी द थर्ड ट्राइमेस्टर तो आपने पूरी प्रेगनेंसी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कब होती है कौन सा ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा क्रूशियल है मोस्ट क्रूशियल वन मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि उस समय फीमेल को बड़ा डर डर के और संभल के रहना पड़ता है कि कोई कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए क्योंकि उस समय पर गलत दवाई लेना गलत खाना खाना फीटस पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है द मोस्ट क्रूशियल ट्राइमेस्टर आउट ऑफ दीज थ्री इज एक्चुअली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना दिस ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रूशियल वन ऐसा क्यों ऐसा क्यों बेटा थर्ड इज़ नॉट द मोस्ट क्रूशियल वन फर्स्ट इज़ द मोस्ट क्रूशियल वन ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पहले तीन महीने के अंदर ही सारी ऑर्गेनोजेनेसिस हो जानी है सारी ऑर्गेनोजेनेसिस हो जानी है ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है सारे ऑर्गन ऑलमोस्ट छोटे छोटे ही हैं चाहे साइज उतना बड़ा नहीं है बट सारे ऑर्गन हार्ट किडनी लंग्स ब्रेन सब कुछ पहले तीन महीने में ही बन जाता है तो पहले तीन महीने में सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं इस समय पर हर दवाई बहुत संभल के लेनी चाहिए क्योंकि कोई भी क्रिएट कर सकती है तो एक पुराने समय में बेटा गलत दवाई की वजह से डिफेक्ट हो जाता था वर्ल्ड वॉर के टाइम है वर्ल्ड वॉर की बात है वर्ल्ड वॉर में ना जो प्रेग्नेंट फीमेल थी आज भी होता है वैसे तब भी प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत यू uh, नो you know, पहले ट्राइमेस्टर में घबराहट होती थी उल्टी आती थी मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं आज भी होती है कुछ कुछ फीमेल्स को तो उस टाइम पे बेटा उस मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने के लिए ना दवाई दी उन्होंने वर्ल्ड वॉर का टाइम है एंड उस उल्टी को मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने के लिए उन्होंने दवाई दी दैट दवाई वॉज हैविंग यू नो अल्ट विच वॉज थेलीडोमाइड क्या दिया थे अब थेलीडोमाइड क्या था बेटा जी टेराटोजन था टेराटोजन वो होता है जो फीटस के अंदर मॉल फॉर्मेशन कॉज करता है इट कैन कॉज मॉल फॉर्मेशन इन द फीटस ठीक है इट कैन कॉज मॉल फॉर्मेशन इन द फीटस तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए दवाई दे दी मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो गई उल्टी ठीक हो गई लेकिन जब उन फीमेल से आगे बर्थ हुआ बच्चे का उन बच्चों के लिम्स ही नहीं बने देर वॉज नो फॉर्मेशन ऑफ लिम्स या बने तो बहुत छोटे छोटे बने दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज फोकोमीलिया दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज फोकोमीलिया इसमें सील लाइक लिम्स हो जाते हैं या फिर कुछ को मीरोमीलिया हो गया जिसमें लिम्स ही एबसेंट है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि बेटा इन महीने में ही बनने थे उस समय उसने ऐसी दवाई खा ली जिससे में फॉर्मेशन हो गया। This effect is called as teratogenic effect. इसी वजह से बेटा जो पहले हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि नहीं फर्स्ट थ्री ट्राइमेस्टर दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टेराटोजेनिक हमें कोई भी चीज नहीं लेनी है थेलीडोमाइड वाली कोई भी चीज नहीं लेनी है तो इस समय हर चीज फीमेल को ध्यान देकर लेनी पड़ती है। है? है? अब कब कब क्या 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 बनता है? कुछ कुछ याद रख लेते हैं। देखिए अगर बात करें अपने फर्स्ट मंथ की। by the end of first month, हां जी क्या बनना शुरू हो जाता है? मतलब चार हफ्तों के बाद क्या बन जाएगा हार्ट बन जाएगा हार्ट वुड बी फॉर्म तो कई बार बेटा पूछा जाता है पेपर में पास में पूछा गया हार्ट मतलब तुम फीटल स्टेथोस्कोप से एक महीने के बाद बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हो क्योंकि हार्ट बन गया पहले महीने के बाद आपका हार्ट बन गया है देन आगे क्या होगा लिम्ब फॉर्मेशन होगी सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है लिम्स और डिजिट्स बन रहे हैं लिम्स और डिजिट्स बन रहे हैं ठीक है और थर्ड मंथ में आते आते ऑल ऑर्गन वुड बी फॉर्म्ड बट साइज उतना बड़ा नहीं होगा बन जाएंगे छोटे छोटे साइज के बनेंगे और जब बेटा अपने आ जाएंगे फिफ्थ मंथ में तब तो बेटा वो फुटबॉलर बन जाएगा यानी कि तब मदर फीटल मूवमेंट्स को फील कर पाएगी ठीक है तब मदर बेटा जी फीटल मूवमेंट को फील कर पाएगी सो बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ मदर वुड बी एबल टू फील द फीटल मूवमेंट ठीक है मदर कैन फील द मूविंग फीटस ओके बेटा जी इस तरीके से धीरे धीरे उस पर आईलेट्स बनेंगे ओपन होंगे बॉडी पे हेयर आएंगे जो बॉडी पे हेयर आते हैं उनको बोलते हैं लन्यू गो ये जो हेयर आएंगे वो थर्ड ट्राइमेस्टर में झड़ भी जाएंगे ऑलमोस्ट सारे हेयर झड़ भी जाते हैं पहले आते हैं फिर झड़ जाते हैं तो इस तरीके से बेटा आपकी सारी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है ग्रोथ होती है जस्टेशन पीरियड बीतता है नौ महीने का जब नौ महीने पूरे हो गए तब जाकर आखिरी स्टेप होगा ट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन ठीक है दैट इज बेटा जी कॉल्ड एज पार्चुरेशन ओहो अभी खत्म नहीं हुआ है पार्चुरेशन इज अ बायोलॉजिकल टर्म यूज फॉर द डिलीवरी डिलीवरी ऑफ चाइल्ड ठीक है पार्चुरेशन कौन बताएगा कि अब पार्चुरेशन करनी है बेटा पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इट इज अ एंडोक्राइन मैकेनिज्म यानि कि सिग्नल आएंगे कहीं ना कहीं से इसके सिग्नल आ रहे हैं कि हाँ भईया अब डिलीवरी का टाइम आ गया है सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन विल कम फ्राम टू प्लेसेस वन इट विल कम फ्रॉम प्लेसेंटा सेकेंड सिग्नल विल कम फ्रॉम फुली फॉर्म्ड फीटर्स दो जगह से सिग्नल आएंगे पार्चुरेशन के एक तो आएगा प्लेसेंटा से यह बताएगा कि पार्चुरेशन का समय आ गया है साथ ही में सिग्नल आएंगे फ्रॉम द फुली फॉर्म्ड फीटर्स ये जब सिग्नल आएंगे इन सिग्नल्स के आने के बाद क्या स्टार्ट होगा फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या स्टार्ट होगा बेटा जी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा अब फीटस बाहर आना शुरू करेगा है ना यस जब बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स चालू हुआ तो धीरे धीरे बेटा मदर में पेन शुरू हो जाएगी यू नो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी ये जो पेन्स है इनको अपने लोग बोलते हैं लेबर पेन्स लेबर पेन का मतलब है यूट्रस क्या करना शुरू कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेटर्नल पिट्यूट्री से कौन आएगा मेटर्नल पिट्यूटरी से बेटा कौन आएगा ऑक्सीटोसिन आएगा ठीक है यही वो ऑक्सीटोसिन है जो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ऊपर जाकर पॉजिटिव फीडबैक देगा कि भैया और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी आसानी से फीटल वुड भी फीटस वुड भी पुस्ट ठीक है यस एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम बेटा प्लेसेंटा से क्या आएगा प्लेसेंटा से निकलेगा एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन निकल सकता है ये एस्ट्रोजन इस ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़ाएगा रिसेप्टर्स को इंक्रीज करेगा जिससे अल्टीमेटली और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी अपने को बेटा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी है ऑक्सीटोसिन आ रहा है मदर से मदर के पिट्यूटरी से यह मत लिखाना फीटस के पिट्यूटरी से बेटा फीटस ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना मदर ने करना है ठीक है तो मेटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आ रहा है उधर से प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन आया उस एस्ट्रोजन ने फिर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ा दिए ताकि और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो और ज्यादा बेटा सर्विक्स क्या हो जाए डायलेट हो जाए इट विल लीड टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो कि पॉजिटिव फीडबैक देगा ऊपर जाकर और ज्यादा बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा डायलेशन के बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा एक्सपल्शन ऑफ फीटस यस पता चला पता चला तो फर्स्ट स्टेज इन द पार्चुरेशन वुड बी सर्विक्स डायलेशन सर्विक्स क्या हो रहा है डायलेट हो रहा है ठीक है डायलेट होने के बाद बच्चे को पुश मिलेगा एंड द बेबी विल कम आउट ऑफ द विजाइना वाई या द बर्थ कैनॉल बर्थ कैनॉल कौन बनाते हैं विजाइना प्लस सर्विक्स दोनों मिल के क्या बनाते हैं बर्थ कैनॉल बनाते हैं ठीक है बेबी बाहर आ गया उसके बाद क्या पार्चुएशन खत्म नहीं उसके बाद थर्ड स्टेप होता है जिसमें 10-15 मिनट के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आता है ठीक है तो थ्री स्टेजेस में होगा ये सारा प्रोसेस इट विल टेक प्लेस इन थ्री स्टेजेस थ्री स्टेप्स फर्स्ट स्टेप इज द डायशन ऑफ सर्विक्स सेकेंड स्टेप इज द एक्सपल्शन ऑफ फीटस एंड थर्ड स्टेप इज द आफ्टर बर्थ स्टेज जिसमें आफ्टर बर्थ में क्या हो रहा है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा भी रप्चर होके बाहर आ जा रहा है ये तीन स्टेप्स होते हैं आपके बर्थ में ओके बेटा जी सर्विक्स डायलेट होना एक्सपल एक्सपेल होना फीटस का एंड देन प्लेसेंटा का बाहर आना हॉर्मोन मेन सब लोग याद रखेंगे द मेजर हॉर्मोन इन दिस केस इज गोइंग टू बी ऑक्सीटोसिन सारा मेजर काम कौन करा रहा है ऑक्सीटोसिन ठीक है देखिए अगर तो फीमेल में नेचुरली ऑक्सीटोसिन आ रहा है तो ठीक है कई बार ही ना फीमेल की बॉडी ऑक्सीटोसिन नहीं बना पाती है फिशियंट ऑक्सीटोसिन नहीं बनता है तो अपने को आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन बनाना पड़ेगा ये जो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है वो देते हैं डॉक्टर्स एंड दैट आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड पिटोसिन। कई बार बेटा कुछ फीमेल्स को सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन भी देना पड़ता है दैट सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज पिटोसिन इट्स अर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस ठीक है हां जी तो ये बात हो गई आपके पार्चुरेशन की पार्चुरेशन के बाद आज आखिरी स्टेप हम करने जा रहे हैं इज कॉल्ड लैक्टेशन 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 जी क्या होता है होती है होती ब्रेस्ट फीडिंग ठीक है बच्चे को लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराई जाती है लैक्टेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ठीक है इट डिपेंड्स अपॉन टू हॉर्मोन्स रिलीज ऑफ मिल्क from mammary glands ठीक है पहले एक दो दिन जो मिल्क निकलता है फर्स्ट टू थ्री डेज बेटा जो मिल्क निकलता है वो येलोइश सा फ्लूड होता है एंड दैट मिल्क इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम इज द थिक मिल्क जो फर्स्ट वन टू थ्री डेज तक बेटा निकलता है ये कोलेस्ट्रम बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो फर्स्ट मिल्क है बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मिल्क के अंदर बच्चे के लिए प्रेजेंट हैं एंटीबॉडीज़। कौन सी एंटीबॉडी बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होती है आई जी ए बाकी सारा न्यूट्रिशियस कंटेंट भी है फैट्स नहीं है आयरन बहुत है कैल्शियम बहुत है लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आईजीए आईजीए एंटीबॉडी ये IGA बेटा बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अब तुम ह्यूमन हेल्थ पढ़ के आयो मेरे से है ना मैंने मंथन में तुमको पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था पैसिव इम्यूनिटी याद है सबको एक मैंने आपको बताया था कि देयर इज एन एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर सकती है ऊपर प्लेसेंटा का बैरियर कहाँ बनाया था हमने ओके द प्लेसेंटा बैरियर देयर इज एन एंटीबॉडी बेटा जो प्लेसेंटा के बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है दैट एंटीबॉडी वॉज आई जी जी आई जी जी कैन क्रॉस प्लासेंटा ठीक है यहां से भी बच्चे को क्या मिल रही है पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है और एक एंटीबॉडी जो मदर के फर्स्ट मिल्क में पाई जाती है कोलेस्ट्रोल में पाई जाती है उसका क्या नाम है आईजीए ये भी क्या देती है पैसिव इम्यूनिटी देती है पैसिव इम्यूनिटी वो होता है जैसे बच्चे को खुद कुछ नहीं करना है बना बनाया एंटीबॉडी प्री फॉर्मड एंटीबॉडीज दे आर इंट्रोड्यूस्ड साथियों बेटा लैक्टेशन में दे आर टू मेजर हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल हाँ जी एक हॉर्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन दूसरे हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन देखो दोबारा आ गया ऑक्सीटोसिन ये जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलाक्तिन for कहां से आता है प्रोलाक्तिन? प्रोलाक्तिन इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला जाता है कि बन तो रहा है प्रोलैक्टिन की वजह से लेकिन बॉडी से बाहर आएगा ऑक्सीटोसिन की वजह से मदर को क्या पता कि मुझे ऑक्सीटोसिन अभी रिलीज कराना है मदर को पता चलता है सिग्नल्स आते हैं जब बच्चा रोता है तब मिल्क बनता है या फिर जब बच्चा निपल्स को सकल करता है दैट इज ऑल्सो यू नो अ काइंड ऑफ जिसकी वजह से मिल्क बनेगा और बॉडी से बाहर आएगा है ना क्लियर क्लियर विद दिस वी आर डन लैक्टेशन हां जी बताइए एंटीरियर पिट्यूट्री एंटीरियर पिट्यूट्री ये बेटा पोस्टीरियर पिट्यूट्री रिलीज करते हैं लेकिन बनाता कौन है इसको बनाएंगे वो हाइपोथैलमस आपको पता होना चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम आप करके आए हैं बनाएंगे कौन इसको हाइपोथैलमस लेकिन रिलीज कौन करेगा एंटीरियर पिट्यूट्री सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूट्री ठीक है ओके okay. विद दिस वी आर डन विद्प्लीट चैप्टर और अब मैं आपके साथ ओपन हाउस का लिंक शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम पे फटाफट से ओपन हाउस ज्वाइन कर लो ओपन हाउस कल नहीं हो पाया था लेकिन अभी जरूर होगा आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑन दी ओपन हाउस आई विल ट्राई टू आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी है वो बच्चे भी ओपन हाउस ज्वाइन कर सकते हैं मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ टी डॉट मी स्लैश सीप मैम आप वहाँ पर जाकर लिंक ले लीजिए अभी करने वाली हूँ साथ ही में बेटा मेरी प्रोफाइल पे भी ये दिखने लग जाएगा मेरी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है फॉलो कर लेना मुझे डू फॉलो मी द लिंक टू तो माई प्रोफाइल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपकी साढ़े सात बजे बेटा आज क्लास भी है डोंट मिस आउट ठीक है डोंट मिस आउट ये लिंक यहाँ पर पेंड है कोड यूज़ करना सीप लाइव और सीप लाइव यूज़ करके वो फ्री प्रैक्टिस क्लास जो फिजियोलॉजी की चल रही है उसमें पहुँच जाना ये क्लास है आज आज जो बेटा क्लास है वो नर्वस सिस्टम और लोकोमोशन की है ठीक है नर्वस सिस्टम और लोकोमोशन के कोई भी डाउट रह गया है वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं ओपन हाउस या फिर स्पेशल क्लास में आकर ठीक है ये क्लास होने वाली है सेवन थर्टी पे डो नॉट मिस आउट लिंक इज पिन इन द चैट बॉक्स ठीक है सेशन अच्छा लगता है तो बेटा लाइक शाइक भी कर दिया करो साथ ही में सारे बच्चों के लिए थ्री मंथ्स और सिक्स मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर हीज ऑफर्स चल रहे हैं थ्री मंथ्स पे थर्टी थ्री परसेंट ऑफ है सिक्स मंथ्स पे ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ है ऑफ पाने के लिए कोड यूज़ कर लेना सीप लाइफ ठीक है बैचेस बहुत सारे नए आ रहे हैं मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है नीट क्लोरी बैच आप सामने देख रहे हैं रैंकर्स बैच है अल्फा चीवर बैच है सी यू सेट बैच है सारे बैचेस हैं आप इन किसी में भी बैच में सब बैचेस में बैठने के लिए सिंगल कोड यूज़ करना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिंगल कोड यूज करना है दैट इज अ यूनिवर्सल कोड विच इज सी प्लाइव अब आप जानते हैं अन अकेडमी लाइट बेटा अन अकेडमी लाइट एक हमारा ऑफरिंग है जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेने का चांस दिया जा रहा है बहुत सारे थाउजेंड मतलब लैक्स बोलना चाहिए लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी टेकन द टेस्ट सीरीज़, वो ले चुके हैं क्योंकि अगर आपके पास कहीं और का भी सब्सक्रिप्शन है टेस्ट सीरीज आपके पास एक अच्छी जरूर होनी चाहिए दैट इज यू ए लाइट टेस्ट सीरीज अनअकेडमी लाइट टेस्ट सीरीज ये अन अकेडमी लाइक टेस्ट सीरीज के बाद बेटा सारे बच्चे रेज हैंड कर पाएंगे हमारे प्लस हमारी क्लासेस में और मेरे से बात कर पाएंगे तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कोई भी डाउट हो तो बेटा इस नंबर पे जाकर पूछ सकते हैं प्रोडेजी का एग्जाम होने वाला है लास्ट प्रोडेजी और ट्वेंटी सेवन डो नॉट मिस आट, मिस आउट कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप आस्क का डाउट फीचर को यूज कीजिए एक साथ आप तीन डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको अपनी सिलेक्टेड अपनी चूजन लैंग्वेज में सोल्यूशन मिलेगा ठीक तो अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो बेटा लाइव मेंटोरशिप बनी लेना लाइव मेंटोरशिप में आप अपने मेंटोर से कैसा भी बात कर सकते हो अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो ये आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तो मेक श्योर sure जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कौन सी सब्सक्रिप्शन लें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें क्योंकि उसी में आपके पास क्या है लाइव मेंटोरशिप है और बेटा मेंटोरशिप के लिए आप सीप्लाई यूज कीजिए जरूर बताइए एंड गेट योर सेल्फ एंड रोल्ड करियर में कभी भी कोताही नहीं होनी चाहिए करियर में कभी भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए तो ये रिस्क करियर में अवॉइड करिए और पहुँच जाइए प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पर अब मैं बेटा ओपन हाउस स्टार्ट कर रही हूँ लिंक शेयर कर दूँ लेट मी शेयर द लिंक ओके यही पड़ा आपके सामने ही बेटा मैं लिंक शेयर कर रही हूँ तो पहुँच जाना टेलीग्राम पर शेयर करूँगी ओके आई हैव जॉइंड द रूम यस yes, मैंने ज्वाइन कर लिया आपको भी दिख रहा था बढ़िया यार जिस जिस बच्चे को दिख रहा आ जाओ ओके आई एम शेयर द लिंक ओके टेलीग्राम पे बेटा लिंक शेयर कर रही हूँ मैं पहुंच जाओ। वेर टेलीग्राम हाँ जी आई विल ट्राई कि बेटा मैं मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स ले पाऊँ हाँ जी भेज दिए मैंने लिंक आ जाइए ओके एवरी वन आई एम स्टार्टिंग इट साढ़े सात बजे मिलते हैं उसके बाद क्लास में ठीक है सेशन अच्छा लगा तो लाइक किया करो कल हम नया चैप्टर शुरू करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कल हम डिस्कस करेंगे तो यस आई विल सी यू टुमारो बट बिफोर दैट आई सी यू राइट नाउन ऑन ओपन हाउस एंड देन ऑन स्पेशल क्लास चलिए बाय एवरी वन टेक केयर डो कॉमेंट डाउन कि आपको सेशन कैसा लगा एंड सब कुछ समझ आया नहीं आया बाय